हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो निफ्टी को आप देखेंगे ना, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ कैंडल्स इसने बैक टू बैक रेड कैंडल्स बना दी हैं, जो बहुत ही रेयर केस होता है। सो 8 रेड कैंडल्स के बाद आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। इतना लॉजिकली तो आप भी, मतलब ये तो कोई नवा बंदा भी एक मतलब जो जिसने 2 4 महीने ही देखे हों वो भी एक्सपेक्ट कर सकता है। और आप ये देखेंगे ना, ये वाला स्विंग, ये वाला बीच वाला, एक तो ये वाला स्विंग है नीचे वाला और एक है ये ऊपर वाला। ऊपर वाला जो स्विंग है इसको हम कर देते हैं रेड, तो रेजिस्टेंस रहेगा तो पता लग जाएगा। और नीचे वाला है ग्रीन जोन, आप देखेंगे ना पीछे कभी भी, तो ये इस जोन से टकरा के ग्रीन जोन को जरूर टच करता है। और ग्रीन जोन को टच करने के बाद आई एम एक्सपेक्टिंग कि कल अगर मार्केट पॉजिटिव रही है, अगर आप देखेंगे लास्ट कैंडल्स में देखिए बाइंग की वॉल्यूम देखिए आप कैसी है, कितनी अच्छी वॉल्यूम है। और ये ट्रेंड लाइन परसों से चली आ रही है, कल परसों से, तो ये 1 2 3 4 बार रीटेस्ट कर चुकी है और इसको प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ गई है इसकी तोड़ने की। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर ये थोड़ा नीचे जाए ना, ग्रीन जोन के पास जाए, तो बहुत अच्छी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो थोड़ा सा ऊपर जा, नीचे जाके ये ऊपर जाएगा, कोई हैमर टाइप या कुछ ग्रीन कैंडल्स बनाने के लिए ट्राई करेगा। तो इसके नीचे निकलता है ना तो यहाँ पे आएगा, तो मैं बाइंग करने के लिए ट्राई करूँगा, क्योंकि अब डेली के चार्ट में देख रहे हैं कि 7 8 कैंडल्स बन चुकी हैं रेड और एक ग्रीन बननी ऑब्वियस सी बात है। और इसके ऊपर ये ब्रेकआउट जोन है, ठीक है। और अगर ये ऊपर एक इसकी एक ट्रेंड लाइन चली आ रही है रेजिस्टेंस की, कहीं ये गलती से गैप डाउन यहाँ पे खुलता है और हैमर बनाता है, तो मैं बाय करने के लिए 101% ट्राई करूँगा बाय करने के लिए, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी है। तो लेट मी रिमूव दिस। बैंक निफ्टी में देखते हैं, बैंक निफ्टी में देखेंगे ना तो इसने एक ग्रीन कैंडल कल बनाई थी, 1 2 3 4, इसने पहले भी एक कैंडल बनाई थी। तो ये निफ्टी के कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्टेबल है। एक ये जोन देखेंगे ना, ये आप लेट मी ड्राइंग्स को मैं विजिबल करता हूँ, जो ड्राइंग्स बनाई हुई थी ग्रीन जोन के आप देखेंगे ना, तो ये हॉल्ट कर रहा है 1 2 3 4 दिन से, यहीं पे हॉल्ट कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। और अगर 1 2 दिन और कंसोलिडेट करता है तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा बेस, आप देखो ये बेस बनाने के लिए ट्राई कर रहा है, एक ऊपर बेस बनाया है, किसने नीचे बेस बनाया है, ये आप देखेंगे ना ऊपर से रेजिस्टेंस, ये देखो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 6 बार ये कम से कम इसको ट्राई कर चुका है। और अगर कल ये फ्लैट खुल के या थोड़ा सा गैप अप खुलता है तो ये एक ब्रेकआउट की तरह कंसीडर होगा, और ऊपर वाला रेड लाइन आपका टारगेट होना चाहिए। लेट मी रिमूव ऑल द थिंग्स, थोड़ा चार्ट को क्लियर करते हैं। हाँ, तो अगर ये जोन आपका खुलता है तो ये आपको रेड जोन के लिए, तो आप पहला टारगेट लगा सकते हैं। और अगर ये नीचे, इसके नीचे खुलता है, इस स्विंग के लास्ट स्विंग के नीचे जहाँ पे बायर्स आए थे, इस स्विंग के नीचे खुलता है, तो ये इस वाले ये बॉक्स को आप डबल कर लीजिए नीचे, ये इस बॉक्स में फंस जाएगा, जो नीचे वाला कंसोलिडेशन है ना, हाँ इस बॉक्स में ये फंस जाएगा। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि बहुत ज़्यादा ये बहुत नीचे गिरने का चांस तो मेरे को लग नहीं रहा डेली के चार्ट पे। हाँ, ये इस जोन में खुलता है और पहले हैमर बनाता है, तो आप बाई कर सकते हैं, क्योंकि सेलिंग नहीं दिख रही कोई खास, कर होती मार्केट होता मार्केट में कुछ भी है, कोई भी लॉजिकली नहीं है कुछ भी मतलब। और ये इस जोन में खुलता है तो ये आपका बहुत बड़ा गैप खोलता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी आ सकती है। तो ये नीचे रीटेस्ट करने आ सकता है अपने क्लोजिंग प्राइस को। एंड लेट मी रिमूव, हाँ मैंने आपको एक ऑप्शन चार्ट का बताया था, एक ऑप्शन चार्ट है, ये है बैंक निफ्टी का 40,500 का मंथली, 19 मार्च की एक्सपायरी है, लेट मी 3 नहीं 5 5। हाँ ये आप देखेंगे ना इसमें, लेट मी रिमूव द ड्राइंग्स फर्स्ट, थोड़ा सा चार्ट को क्लियर करते हैं। अगर आप इसको देखेंगे ना, आपने एक जोन में ना कंसोलिडेट करके एक ब्रेकआउट किया था, ये देखिए, ये देखिए इस जोन में घूम के इसने ना ब्रेकआउट किया था, और उसके बाद रीटेस्ट किया और फिर जो ऊपर भाग गया था, तो ये इसने इस जोन का ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर भी गया, बट इसने क्या किया, एक एम पैटर्न बना के ना ये बॉक्स के नीचे फिर से घुस आया। तो अब अगर आप एम पैटर्न देखेंगे ना, ये एम पैटर्न का डबल टॉप का देखेंगे, ये देखिए ये 1 और ये 2 सेकंड हेड, और ये इसके नीचे इसने क्लोजिंग भी दे दी है, और लास्ट की कैंडल है ना वो भी अच्छी खासी मतलब बेरिश बनी है। अगर आप ऊपर का टारगेट देखेंगे, नीचे का टारगेट देखेंगे ना, तो इसके अप्रॉक्सीमेटली डबल आप टारगेट लगा सकते हैं, 50 60% आपको इसमें मतलब ऑलमोस्ट डबल होने के चांसेस हैं। अगर आप सेलर हैं तो इसको सेल कर सकते हैं, और अगर बायर है तो इसके अपोजिट आप इसके चार्ट को रिकन्सिडर करके आप वहाँ पे ना कॉल बाई कर सकते हैं। एक ये ट्रेंड लाइन चली आ रही है, लेट मी ये ट्रेंड लाइन चली आ रही है, जैसे इसके नीचे का ये खुलता है ना,
तो पहली दूसरी कैंडल का लो तोड़ते सारी आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, तो आपको टारगेट बहुत अच्छा मिलेगा।